नमस्कार, एक दुखद खबर जो दुखद खबर आ रही है कि 8 श्रद्धालुओं की यानी कि जान चली गई। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। फिलहाल आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखिएगा। बताना चाहेंगे, हरियाणा में ट्रक के खड़े वाहन से टकराने से 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 10 घायल हुए। बताना चाहेंगे, हरियाणा के जिन जिले के श्रद्धालुओं को ले जा रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिसे 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए ये घटना की जानकारी की जो डिटेल है वो साझा की है। ये दुर्घटना आधी रात को हिसार चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यानी विद्राना गांव में हुई, जब श्रद्धालु कुरुक्षेत्र जिला से राजस्थान के गोगामढ़ी स्थित एक मंदिर की ओर जा रहे थे। ट्रक जिस पर राजस्थान का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर था, उस समय लकड़ी के लद्दों से लदा हुआ था, जब उसने खड़े वाहन को जाकर टक्कर मार दी। सदर नरवाना पुलिस स्टेशन एसओ कुलदीप सिंह ने कहा, ट्रक के ने हल्के वाणिज्यिक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे भक्तों का समूह गोगामढ़ी जा रहा था। घटना के समय श्रद्धालु थोड़ी देर के लिए रुके थे और उनका वाहन खड़ा था। उन्होंने बताया, घटना में 2 महिलाएं और एक 15 वर्षीय लड़के की सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घायलों को जिंद के अस्पताल में ले जाया गया और बाद में हिसार के अग्रोहा रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि घायल जो है फिलहाल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, और ये भी बताया जा रहा है जो घायल लोग 10 घायल हो गए वो खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया और ट्रक को जब्त भी कर लिया गया। हादसे के बाद नरवाना सिविल अस्पताल पहुंचे घायल व्यक्ति के रिश्तेदारों ने बताया कि ट्रक ने गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। उन्होंने कहा, मृतकों और घायलों में से कई रिश्तेदार थे। यानी ये एक खबर जो है ये हरियाणा से आ रही है, जहाँ पर एक यानी कि खड़ी गाड़ी को एक ट्रक ने पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान करे उन जो 8 लोगों की जान गई है इस हादसे में, भगवान करे उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और उसी के चलते जो 10 लोग घायल हुए हैं वो जल्द से स्वस्थ होकर अपने घरों में आए। और ये भी बताया जा रहा है कि इस जो 8 लोग जिनकी जान गई उसमें से महिलाएं हैं और एक नाबालिग बच्चा 15 वर्ष जिसकी उम्र है वो भी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल ये बड़ी खबर जो हरियाणा से आ रही है कि एक श्रद्धालु यानी कि 8 श्रद्धालु जो थे हरियाणा में जो कि खड़े गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई। एक दुखद समाचार हरियाणा से। फिलहाल आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा उन दिव्यांग आत्माओं के लिए जिन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और फिलहाल हम ये भी प्रार्थना करें परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।